दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सिंधिया परिवार ने एमपी में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार को गिराया है। जी हां, यह 100% सच है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराया, मगर इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने भी एमपी में कांग्रेस की सरकार को गिराया था। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। विजयराजे सिंधिया पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंची। कांग्रेस द्वारा राजमाता विजयराजे सिंधिया को लोकसभा का टिकट दिया गया गुना से। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। यहीं से सिंधिया परिवार की आजाद भारत में राजनीति की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र उस समय हुआ करते थे। मुख्यमंत्री मिश्र से राजमाता को वह महत्व नहीं मिला जो वह चाहती थी। शायद कमलनाथ ने भी सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्व नहीं दिया। राजमाता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस के द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरा दी गई। और फिर आज के भाजपा, उस समय के जनसंघ में राजमाता शामिल हो गई। फिर वह आजीवन जनसंघ या भाजपा में ही रही। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। सिंधिया परिवार द्वारा एमपी में दो बार कांग्रेस की सरकार को गिराया गया है। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।